हाय, मेरे हाथ में है एक तराजू। ये तराजू देखकर आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। आज इस तराजू की मदद से हम थोड़ा सा गणित सीखने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारा आज का टॉपिक है सिंपल इक्वेशंस। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन है x प्लस 2 बराबर 5। आइए हम इस सिंपल इक्वेशन को इस तराजू की मदद से हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास यह तराजू है और इसके दोनों भाग इस वक्त बराबर हैं। हमारी इक्वेशन थी x प्लस 2 बराबर 5, तो इसके लिए मैं इस तराजू के एक भाग में मेरे पास कुछ कंचे हैं, एक भाग में एक और दो कंचे और दूसरे भाग में पांच कंचे डालता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। आपने देखा, क्योंकि एक तरफ पांच कंचे और दूसरी तरफ दो कंचे हैं, तो तराजू पांच कंचों की तरफ झुक गया। हमारी इक्वेशन है x प्लस 2 बराबर 5। 5 तो यहां है, 2 के साथ है x, यानी इसमें कुछ और डलेगा तो ये दोनों इक्वेशनें बराबर होंगी। आइए हम देखते हैं इसमें कितने कंचे डालने पर यह तराजू फिर से बराबरी पर आता है। कुछ कंचे मैं अपने हाथ में लेता हूं और एक एक करके इस कटोरी में डालू। 1, 2, 3। आपने देखा, जैसे ही हमने इसमें तीन कंचे डाले, ये दोनों तराजू फिर से बराबर हो गए। इसका अर्थ ये है कि जो हमारी इक्वेशन थी x प्लस 2 बराबर 5, वह तीन कंचे डालने से बैलेंस होती है, यानी दोनों भाग बराबर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि तीन कंचों से ही यह बराबर हुआ, इसलिए x का मान होगा 3। आइए हम इसे लिखित रूप में भी देखते हैं। यह है x प्लस 2 बराबर 5 5 x, जैसा कि आपने अभी तराजू में देखा कि x का मान आएगा 3, यानी 3 प्लस 2 5, और यहां भी है 5। तो देखा आपने, लीनियर इक्वेशंस जैसा एक टॉपिक हम कितनी सरलता से कंचों की मदद से सीख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी गणित की या सिंपल इक्वेशंस की कई सारी प्रॉब्लम्स हम इस छोटे से तराजू में कंचे रखने से ही सीख जाएंगे।